शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को 20 लाख अतिरिक्त देगी बघेल सरकार। जाने क्या है ये नई पॉलिसी। छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सली हमले में पुलिस कर्मियों के जान गंवाने की खबरें सामने आते रहती है। वैसे तो राज्य सरकार पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर पूरी तरह से सहज है, लेकिन अब राज्य सरकार ने शहीदों के लिए परिजनों को अतिरिक्त लाभ देने का फैसला किया है, ताकि उनके बाद परिजनों को किसी भी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नई नक्सल उन्मूल्य नीति के तहत नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को 20 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देगी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाली राज्य कैबिनेट ने शनिवार को इस नीति की मंजूरी दी थी। नई नीति के अनुसार शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों को कृषि भूमि खरीदने के लिए अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। इस नई नीति में आगे कहा गया है कि 5 लाख रुपए और उससे अधिक की इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने पर 10 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। लेकिन कब से लागू होगी ये नई पॉलिसी, तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ में पहले से ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और माओवादी घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजे के लिए एक मौजूदा योजना है, और इस नई नीति में इस लाभ को जोड़ा गया है। इसका विवरण सरकार के द्वारा जारी किया गया है। यह नई नीति अब चल रहे विधानसभा सत्र में पेश की जाएगी और 2 महीने में लागू होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि यह नई नीति सरकार के विकास विश्वास सुरक्षा की कार्य योजना पर आधारित है। परिवार के कमाऊ सदस्य की हत्या के मामले में अनुकंपा नियुक्ति की तर्ज पर शासकीय सेवा प्रदान की जाएगी। यदि शासकीय सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो कृषि भूमि क्रय हेतु 15 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। 5 लाख रुपए या उससे अधिक के इनामी सक्रिय नक्सली को सरेंडर करने पर 10 लाख रुपए की अलग से राशि दी जाएगी। यह राशि बैंक में जमा के रूप में जमा की जाएगी। नीति इसके कार्यान्वयन की तारीख से 5 साल तक प्रभावित रहेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस नई पॉलिसी के बारे में आपके क्या राय है। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हर रोज नई खबरें हम आपके लिए सबसे पहले लाते रहें।